पालमपुर सही था ना? पालमपुर मतलब टेम्परेचर के मामले में ठीक था यार। जो मेरे 50 के पे लेके आया मेरे लिए क्या। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और घर से दूर आ गई मैं, और आज की पहली सुबह, तो इसलिए थोड़ा अलग सा तो लगता है। भाई मैंने एक और वो बनाना शुरू कर दिया, वहाँ तो था यहाँ पर भी, और भी लोगों को खाना खिला दिया। 7:30 बज गए, मैंने भी खाना खा लिया फिरो के साथ ही। बस फिरो जा रहा है और फिरो आएगा शाम को, और मैं करूँगी साफ सफाई थोड़ी। अभी अब जा रहा है ना बीरो। गाइस बीरो पतला सा हो गया ना थोड़ा? नहीं हाँ लग रहा है, बीरो को मेरी याद आई इसलिए शायद पतला हो गया। बाय बाय। ओ हेलमेट की वजह से सुनाई ना दे रहा बहुत। तो गाइस बीरो तो चला गया, और अब मैं करूँगी साफ सफाई, क्योंकि बीरो को टाइम नहीं मिल रहा था ना थोड़ा, और बड़े दिनों बाद आई मैं, तो खाना वाना तो हो गया, तो अब सुबहगी साफ सफाई। भाई खाना खा के ना, खाना तो खा लिया था, तो बैठी बैठी अपनी रील्स देखते देखते मेरे 9 बजा दिए। अच्छा काम करती हूँ इसे मैं यार, क्या बोला, ऐसे अकाउंट देख रही थी अपना, मैं देखा कि क्या क्या किया है रील्स देखते देखते। भाई मैंने होता 1 घंटा, क्योंकि यहाँ तो 5G चलता है फ्री, और सारी रील्स देखी अपनी, पूरी भी नहीं देख पाई पर देखी, मजा है। अब करनी है सफाई, अब लगेगा असली काम शुरू होएगा। तो मंडी पहुंच गई मैं, अंकी गाड़ी लगाने गया, देखते हैं। तो सब्जी मंडी से ये आया था, सब्जी ले ली इसने। आज गर्मी चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा है यार। पालमपुर सही था ना? पालमपुर मतलब टेम्परेचर के मामले में ठीक था यार, इससे तो बहुत बेटर था, हर चीज में सही था पालमपुर। मोमोज वहाँ बहुत टेस्टी थे, मोमोज अच्छे नहीं थे क्योंकि वहाँ पे लोग फास्ट फूड नहीं खाते भाई। अब उसका मोमोज से तू चंडीगढ़ पालमपुर करेगा कम्पेयर? इंटरनेट बहुत तेज था, इंटरनेट से तो कर लो, कर ले, मेरी तो वीडियो डल रही थी, तेरी भी डल रही थी, अब रोनी की नहीं डली गाइस, तो थोड़ा हो गया पंगा, बट ठीक था। यस नहीं, ओवरऑल अच्छा था, थोड़ा और धीरे बोल, ओवरऑल बहुत अच्छा था, और धीरे बोल, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा था। आगे तीन लोग आ रहे हैं, इनकी पार्टी करा रहे हैं क्योंकि मेरे 50 के होने वाले, इसके होने वाले इंस्टाग्राम पे 50 के होने वाले, करा रहा हूं एक दिन इसके 100 के होंगे, तो आज पार्टी दे रहा हूं, एक दिन तेरे 100 के होंगे। तो ये लाइन तो मुझे समझ नहीं आई बोलने की, तेरे होने वाले हैं उसकी पार्टी दे रहा हूँ, तो एक दिन तेरे 100 के भी होंगे तो उसकी पार्टी दे देता हूँ आज, 50 के वाली छोड़। तो गाइस बीरो आ गया, और सब्जी बन रही है घी की, और वैसे रोटी बनाऊंगी, और 50 के हो गए यार मेरे इंस्टाग्राम में। वो देखो सब्जी आ गई भाई, भर गया फ्रिज भर गया, मजा आते ना सिर्फ फ्रिज भरा हो, हरी हरी सब्जी हो मस्त। और यार थैंक यू सबको यार, मेरे 50 के हो गए इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे 25 के, जल्दी से 50 के इधर भी करा दो, और फिर 100 के कर दो, फिर मस्त मस्त मस्त। भगवान है तो सब है। हीरो मेरे 50 के पे लेके आया मेरे लिए क्या। अरे अभी नहीं आया वो, अभी तक दे इसको, अभी नहीं आया गाइस, पर भाई लेके आया कुछ मेरे लिए 50 के पे, नया कड़ी और घिया, और मैं बीरो एक साथ खाएंगे ना बीरो। और अभी तक जो बीरो मेरे लिए मंगाया वो अभी तक आया नहीं है, फिर आएगा, फिर सेलिब्रेट करेंगे 50 के। गाइस आपने मेरे इंस्टा पे 50 के कर दिया, और यूट्यूब पे 25 के, भाई थैंक यू सो मच। और ना मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ ना, जैसे मैंने ना एक अभी पढ़ा, एक ने स्टेटस डाला हुआ था, तो यार ये बात सही है, क्योंकि हमें पता क्या होता है, क्या बात थी वो बता रही हूँ हमें होता ना, जैसे हमारी जो लाइफ चल रही है ना, हमें ना दूसरों की लाइफ सही लगती है, पर हमें ये सोचना चाहिए ना कितनों से सही हमारी लाइफ चल रही है, मतलब हमारी जो लाइफ चल रही है वो भी किसी का ड्रीम है,
कि ऐसी लाइफ हमारी हो, फिर हम खुश क्यों नहीं है? नहीं रह पाते, मैं खुद नहीं रह पाती कि मतलब कुछ ना कुछ टेंशन आ रही है, ये और हमें पता भी है वो टेंशन अगर आज है तो कल नहीं होगी, ठीक हो ही जाएगी, पर उस मोमेंट में हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा उस पर हो जाते ना, और उसमें टेंशन में हम किसी को कुछ बोल देंगे, वहाँ रिश्ता अलग से खराब कर देंगे, ये कुछ ना कुछ कर देंगे। तो इससे सही है कि पता है ठीक हो ही जाएगा, थोड़ा सा शांत, पता है मुश्किल है पर ट्राई करो ताकि कुछ और खराब ना हो। और रही बात अगर हम ज्यादा सोचते हैं और टेंशन लेते हैं कि कल क्या होएगा, ये होएगा, और तो कुछ होए ना होए बीमारी लग जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोई ना कोई, जैसे दिमाग से सोच रहे हो वो पूरा बॉडी के साथ है, या पेट की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या फिर बीपी की आ जाएगी, या हार्ट की आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी आएगी। तो टेंशन से कुछ हो ना हो बीमारी पक्की है, तो क्यों लेनी है फिर? जो चीज़ पक्की वो है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ लेनी क्यों है फिर? तो गाइस आ गई है 50K की, है ना बिरो? कुछ बोलना चाहेगा? और 100K हो जाए जल्दी। तो गाइस थैंक यू सो मच जिसने मुझे दोनों साइड फॉलो कर रखा है, और जिसने एक साइड भी कर रखा उसको भी थैंक यू, और जल्दी से जल्दी 50K भी हो जाए। और Q&A के लिए यार क्वेश्चन डालो, तो भी मैं Q&A वाली वीडियो डाल पाऊंगी ना, तो Q&A के लिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन डालो, और तुम डेयर भी दे सकते हो, और तुम ट्रुथ भी पूछो, कुछ भी, मतलब ऐसे ही कुछ भी पूछ लो, 25K का थोड़ा और धमाकेदार होना चाहिए। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आज के व्लॉग का ये एंड करते हैं। ओके बाय।